प्रश्न क्रमांक दो और प्रश्न क्रमांक दो में दिया हुआ है छुई हुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। देखिए यहाँ पे गतियां दो प्रकार की हो रही है। यहाँ पे एक गति बोला है कि छुई में पादप की गति, मतलब हम छुई में के पौधे को छूते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती है, इस प्रकार से सुकुड़ के नीचे की ओर ऐसी मुड़ जाती है, तो वह एक ये भी गति है। और जो पौधे का प्ररोह मतलब ऊपर वाला भाग, पौधे का जो शीर्षस्थ भाग होता है, यह सूर्य प्रकाश की ओर जो मुड़ता है, तो यहाँ दोनों गतियों में अंतर है। एक गति जो कि छुईमयी होती है, इसको छूने से यहाँ पे जो गति हो रही है उसका संबंध जो है वृद्धि से कोई भी नहीं होता है, जबकि जो प्ररोह या जो शीर्षस्थ भाग होता है यह सूर्य के प्रकाश के कारण यह वृद्धि संबंधित गति करता है, तो यह एक वृद्धि पूर्वक गति होती है। तो इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकोगे कि छुईमुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि मुक्त होती है, इसका वृद्धि से कोई संबंध नहीं है, जबकि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति वृद्धि परक होती है, अर्थात वृद्धि के कारण होती है। तो इस प्रकार से यह पादपों में यह गति हम अलग अलग प्रकार से यहाँ पे बता सकते हैं कि छुईमुई में यह गति जो है वृद्धि से संबंधित नहीं होती, लेकिन पादप में अधिकतर जो गतियां होती है वह जो वृद्धि संबंधित ही होती है। क्यों एक प्रकार यह प्रश्न, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक तीन और प्रश्न क्रमांक तीन में दिया हुआ है एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। यहाँ पे चूंकि एक ही हार्मोन्स की बात करी हुई है, तो यह ऑक्सिन जो हार्मोन्स होता है यह वृद्धि को बढ़ाने वाला पादप हार्मोन्स होता है। आपने जिब्रेलिन का भी नाम सुना होगा, आपने साइटोकाइनिन का भी नाम सुना होगा, यह कुछ पादप हार्मोन्स है। तो इसमें से हमें एक ही हार्मोन्स का नाम पूछा है, तो हम ऑक्सिन का उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं कि ऑक्सिन जो है यह पादप में यह वृद्धि से संबंधित या ऑक्सिन एक वृद्धि को बढ़ाने वाला एक पादप हार्मोन्स होता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक चार, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। देखो प्रतान मतलब आपने देखा होगा कि लता या बेला जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, वह बेला किसी सहारे से इस प्रकार से चारों उसके ऐसे राउंड में चलती है ना, ऊपर ही। जब मान लो ये कोई सहारा है तो ये क्या करेगी, इस प्रकार से घूमते हुए यह ऊपर की ओर जाती है। तो वहां पे ऑक्सिन क्या करता है, जिस ओर पौधे का जो जो शीर्ष भाग होता है जिसका झुकाव रहता है उसके विपरीत साइड में, वहां पे मान लो कि इस साइड में ये लता है, ये सहारा है और इस प्रकार से यह बेला घूमते हुए जा रही है, तो मान लो कि ये झुकाव इस साइड है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सिन यहाँ पे ग्रोथ करके इसको इस साइड में वृद्धि के लिए प्रेरित करेगा, मतलब इस साइड में यहीं से मोड़ देगा इसको, और इस प्रकार से इसका झुकाव मान लो इधर साइड में है, तो इस साइड में ऑक्सिन क्या करेगा उसमें वृद्धि करेगा और यहां से इसको इधर मोड़ देगा, तो यह विपरीत साइड में वृद्धि करता है और यह क्रिया जो है निरंतर चलती है और बेला ऊपर चढ़ते हुए जाती है। आप देख लेना अपने घरों में मनी प्लांट वगैरह भी हुआ या मटर के बीज का देख लेना, कोई भी बेला आप देख सकते हो कि इस प्रकार से यह राउंड में यह ऊपर सहारे से बढ़ते हुए जाती है। तो आंसर क्या लिखेंगे, जब कोई प्रतान किसी, प्रतान का मतलब बेला समझ लीजिए आप, ठीक है, जब कोई प्रतान किसी सहारे का सहारा लेता है उसका झुकाव जिस ओर होता है उसके विपरीत दिशा में ऑक्सीजन चला जाता है, ठीक है, ऐसे हमने बताया था, और उस ओर की कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है, तो प्रतान की तना वहीं से मुड़ जाता है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और प्रतान उस सहारे के चारों ओर से और वृद्धि करता रहता है, तो इस प्रकार यह बेला जो है ऊपर की ओर चढ़ती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक चार पांच और प्रश्न क्रमांक पांच में पूछा कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। जलानुवर्तन अर्थात इसको हम हाइड्रोट्रॉफिज्म भी कहते हैं। तो हमें पता है कि पौधे जो है वह जैसे अलग अलग जैसे गुरुत्वावर्तन या इसको हम जियोट्रॉफिज्म कहते हैं, कुछ कीमोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म की हमने बात की थी, और ये जो है इसको हाइड्रोट्रॉपिज्म की यहाँ पे बात पूछ रहे हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक हमें एक प्रयोग या एक प्रकार से एक प्रयोग की अभिकल्पना पूछी हुई है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक इस प्रकार से एक आयताकार बर्तन ले लेंगे और इसमें कुछ मिट्टी और बुरादा भर देंगे, लकड़ी का बुरादा, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको
और यहां पे मान लो यहां पे हमने क्या किया, प्लांट लग रखा है। यहां पे क्या है हमारा, प्लांट है। यहां पे इस प्रकार से हम प्लांट बना देते, वास्तविक प्लांट नहीं है ये, इस प्रकार से कुछ भी बना देंगे, ठीक है, आप इसको प्लांट समझ लीजिए। ठीक, अब यहां पे क्या हो गई, ये रूट है। तो यहां पे अगर मान लो अपन ने पानी रख दिया, यहां पे इस प्रकार से यहां पे क्या है, वाटर है। तो हम देखेंगे कि जो प्लांट की रूट है वह किस ओर आ जाएगी, इस ओर। ये क्यों, क्योंकि यहां पे पानी के प्रति यहां पे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है कि जो पौधे है यह इस ये जो रूट या जो जड़े है वह इस पानी की तरफ क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो यह प्रयोग बड़ा सिंपल है, आप घर में भी आप किसी प्लांट को आप इस प्रकार से रख के देख सकते हैं और इसको कुछ दिन प्रकाश में रखेंगे और कुछ दिन के बाद में हम देखेंगे कि ये जो जड़े है वह इस वाटर या पानी, ये क्या है, पानी है, ये क्या है, जड़ है, ये पत्तियां है। तो इस प्रकार से यहां पे यह प्रयोग इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, जलानुवर्तन के प्रदर्शन हेतु प्रयोग। एक बड़ा आयताकार बर्तन लेकर उसमें कुछ मिट्टी तथा लकड़ी का बुलाता भरकर एक सिरे में मिट्टी में थोड़ा पानी डालिए, यहां पे हमने पानी डाल दिया। इस उपकरण को सूर्य कुछ दिन तक सूर्य के प्रकाश में रखा रहने दीजिए। कुछ दिन बाद पौधे को निकाले तो आप देखेंगे कि जड़े उस ओर मुड़ गई है जिस ओर बर्तन में पानी रखा था। हम इसको पेड़ को उखाड़ेंगे तो नीचे का भाग क्या है वह मुड़ा हुआ दिखेगा। मुड़ा हुआ इसे दिखेगा कि यहाँ पे पानी की तरफ ही जड़ी क्या हो गई है, मुड़ी हुई है, जिसको कि हम हाइड्रोट्रॉपिज्म या जलानुवर्तन कहते हैं। तो यह पौधे की क्या है विशेषता है, मतलब यहाँ पे हम इसमें डिस्कस भी की थी कि किस प्रकार से यह अलग अलग ट्रॉपिज्म के प्रति यहाँ पे अट्रैक्शन या पौधे दिखाई या प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार यह जो प्रश्न है अध्याय के अंतर्गत यह प्रश्न भी समाप्त होते हैं। अब इसके बाद जो है वह हम देखेंगे अभ्यास के प्रश्न।